दोस्तों क्रिकेट में तीन तरह की बॉल्स का इस्तेमाल होता है, सफेद, लाल और गुलाबी। लेकिन आखिर इन तीनों बॉल्स में क्या फर्क है? दोस्तों पहले के टाइम में सिर्फ रेड बॉल से क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ODI और T20 मैचेस हमेशा डे नाइट मैचेस होते हैं, तो इसलिए रात में रेड बॉल सही तरीके से दिखाई नहीं देती, जिस वजह से ODI और T20 में व्हाइट बॉल को लाया गया जो कि रात के अंधेरे में भी आसानी से दिख सके। अगर लाल गेंद की बात करें तो इसे सिर्फ टेस्ट मैचेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो कारण है। पहला ये कि टेस्ट मैचेस में सभी के कपड़े व्हाइट होते हैं, जिससे व्हाइट बॉल सही से दिखाई नहीं देती, इसलिए लाल गेंद को इस्तेमाल में लिया जाता है। साथ ही लाल गेंद व्हाइट गेंद के मुकाबले ज्यादा देर तक टिकती है और जल्दी खराब नहीं होती, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्ट मैचेस 5 दिनों तक चलते हैं। वहीं अब टेस्ट मैचेस में पिंक बॉल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अब कुछ टेस्ट मैचेस डे नाइट होने लगे हैं और रेड बॉल की विजिबिलिटी रात में कम होने की वजह से पिंक बॉल का इस्तेमाल होता है, जो कि रात में इजीली नजर आ जाती है। आप लोग भी अगर क्रिकेट के फैन हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए।